अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो है माइक्रोटिक हॉटस्पॉट पे यूज़र मैनेजर के ज़रिए हम यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप विनबॉक्स ओपन करें। जैसे मैंने पिछली कॉन्फ़िगरेशन में हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करना सिखाया था, सेम वही सेटिंग है इसकी भी, और वैसे ही इसको विनबॉक्स के ज़रिए ओपन करना है। इसको आप ओपन करें। ठीक है, यूज़र मैनेजर क्रिएट करने से पहले आपको माइक्रोटिक के अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, तो उसके लिए आपको अपना माइक्रोटिक ओपन करें। ठीक है, माइक्रोटिक ओपन किया और यहाँ पे देखिए रेडियस लिखा हुआ, RADIUS रेडियस। ठीक है, रेडियस पे क्लिक किया आपने, प्लस के निशान पे क्लिक किया। हम इसको हॉटस्पॉट एनवायरनमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर देखें आप हॉटस्पॉट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, हॉटस्पॉट पे चेक लगाना, बाकी किसी पे नहीं। ये PPP VPO सर्वर के लिए, DHCP लॉगिन वायरलेस, ये तमाम स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको समझाता जाऊँगा। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हॉटस्पॉट पे, तो इसको हम हॉटस्पॉट पे यूज़ करेंगे। तो हॉटस्पॉट पे आपने चेक लगाया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एड्रेस में हम लिखेंगे 127.0.0.1। ठीक है, नीचे आ जाए सीक्रेट लिखा हुआ है, सीक्रेट में हम लिखेंगे 123.45। सीक्रेट कोड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये जो एड्रेस है एड्रेस आप यही रखेंगे। ठीक है, सीक्रेट कोड अपने हिसाब से लिखेंगे, और ये एड्रेस है और सीक्रेट कोड है इसको लाजमी आपने याद रखना है, क्योंकि आगे यूज़र मैनेजर पर इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको काइंडली आप भूलना नहीं, इसको आप याद रखना। हमने एड्रेस दिया 127.0.0.1 और सीक्रेट कोड में दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको किया अप्लाई, ओके। इनकमिंग में आ जाएं आप, इनकमिंग पे आए, एक्सेप्ट पे आपने क्लिक किया, इस पर चेक लगा दिया, अप्लाई, ओके। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया क्लोज़। अब आ जाइए आईपी में, आईपी यहाँ पे है हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट पे क्लिक किया, ऊपर आ रहा सर्वर प्रोफाइल। ठीक है, सर्वर प्रोफाइल जो आपने बनाई थी, मैंने आपको अपने नाम से बना के दिखाई थी, फराज डोरो आ रही, आपने जो भी अपने नाम से बनाई होगी यकीनन उसी नाम से आ रही होगी। उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाए रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस का काम है, रेडियस यूज़ रेडियस पे आपने क्लिक किया, अप्लाई, ओके। बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपने माइक्रोटिक को क्लोज़ कर देना है। अब आप अपना ब्राउज़र पे आ जाएं। अच्छा, ब्राउज़र पे हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, अपने जो आपने लैंग्वेज जो भी आपने पिछली वीडियो को देख के सेटिंग की, जिस हिसाब से सेम वही सेटिंग आपने रखनी है, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, अपने सिस्टम को वैसे ही कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है, यूआरएल एड्रेस बार में आपने यहाँ पे एड्रेस डालना। एड्रेस क्या होगा आपका, यूज़र मैनेजर का, एक दफ़ा आप चेक कर लें जाके जो आपने सेटिंग की है। आप आईपी में जाएं, एड्रेसेस में जाएं, आपने जो एड्रेस डाला है उन दोनों का आप चेक कर लें। मैंने लैन में लिखा था 192.168.0.1 और वैन में लिखा था 192.168.10.100। ठीक है, ये देखिए 100 है, और आपने जो डाला है उसी हिसाब से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस 192.168.0.1 से ओपन करना चाहेंगे तो इससे भी ओपन हो सकता है, अगर इससे ओपन नहीं हो रहा है तो आप वैन वाली आईपी से यूज़र मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 192.168.0.1/USERMAN यूज़र मैन। ठीक है, 192.168.0.1/USERMAN नहीं खुल रहा, ठीक है, क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि अभी हमारा इसके साथ नेट का कोई एक्सेस नहीं है। तो बराए मेहरबानी इसको हम पहले नेट कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने अपना इसका लॉगिन पेज का जो एड्रेस दिया था वो दिया था faraz.org। ठीक है, मैंने faraz.org लिखा, सॉरी faraz.org लिखा। इसका जो आईडी पासवर्ड है आपने जो अपने हिसाब से रखा होगा वही आप आईडी पासवर्ड इसमें डालें। मैंने एडमिन लिखा था, पासवर्ड डाला था 12345। ठीक है, मेरा यहाँ पे देखें नया डाउन हो गया है, अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, 192.168.0.1/USER यूज़र मैन। ठीक है, आप चाहें तो यूज़र मैनेजर भी पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो यूज़र मैन लिख सकता है। अभी इस पर भी नहीं एक्सेस कर रहा है, चाहे नहीं कोई बात नहीं।
192.168.10.100 डिवाइडेड बाय यूज़र मैन। आपने इसको वैन की आईपी के साथ खोल लो, देखिए वैन पे इसने कनेक्ट कर लिया। ये इशू आपके साथ भी हो सकता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लैन पे एक्सेस नहीं कर रहा है तो आप वैन से एक्सेस करवा सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैन की आईपी डाल दी, मैंने वैन की आईपी इसमें माइक्रोडेक में रखी थी, सेम वही आईपी मैंने डाली, आगे स्लैश लगा के यूज़र मैन लिख दिया। अब माइक्रोडेक का लॉगिन और पासवर्ड क्या होता है? माइक्रोडेक का लॉगिन पासवर्ड डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है एडमिन, पासवर्ड होता है इसका ब्लैंक, यानी पासवर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ आप एडमिन लिखें और लॉगिन करें, ये खुल गया पेज, ठीक है। यहाँ पे आ जाए राउटर, सबसे पहले ऊपर आ रहा है राउटर्स, ठीक है। राउटर्स में हम जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे आप अपना नाम, ये आपका जो नेटवर्क रैम है आप वो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, ठीक है। आईपी एड्रेस आ रहा है, आप देखें आईपी एड्रेस 192.168.10.100.1 जो हमने वहाँ डाली थी रेडियस में, वही आईपी यहाँ पे डलेगी। और सीक्रेट कोड हमने क्या डाला था भला, वहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने वही डाला। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है 127.0.1, और जो सीक्रेट कोड होगा वही आपने इधर इंटर करना है, ठीक है। और यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि टाइम जोन, तकरीबन तमाम चीज़ें अहम हैं, हर चीज़ पे बहुत ध्यान से करना है काम, कोई भी एक चीज़ पे आगे पीछे होती है तो आपका ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। पेरेंट टाइम जोन, पेरेंट टाइम जोन हमारा पाकिस्तान का जो होता है वो होता है +5, ठीक है, +5 करेंगे। टाइम जोन अगर आपका ठीक है तो आपके तमाम यूज़र के जो टाइमिंग होगी ना वो परफेक्ट चलेगी, और उनकी टाइमिंग के हिसाब से जो आपने टाइम लगा उसी टाइम उनका नेट ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और इन तमाम पे चेक लगा दिया, अब 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स हैं, डिसेबल नहीं करना है, डिसेबल पे आपने चेक नहीं लगाना है, डिसेबल को छोड़ के दीजिए, जितने भी 4 बॉक्स आ रहे हैं इन 4 बॉक्स पे आपने चेक लगा देना है। रेडियस इनकमिंग को नहीं छेड़ना है, ठीक है, बस आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, ठीक है। राउट्स हमारा कंप्लीट हो गया, ये आ गया यूज़र। यहाँ पे हम यूज़र क्रिएट, जैसा हमने पहले माइक्रोटिक के अंदर यूज़र बनाया था अपना, ठीक इसी तरह इसमें भी यूज़र बनेगा, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज है, लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है ये, आपको बहुत पसंद आएगी। ऐड है, ऐड पे क्लिक करेंगे 1, अगर एक यूज़र बनाना है तो 1 पे क्लिक करेंगे। बैच, यानी अगर आपके यूज़र्स एक वक्त में आप 10 यूज़र या 20 यूज़र बनाना चाहते हो या 100 से ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप बैच पे क्लिक करके एक साथ बना सकते हो। एडिट में आप यूज़र को डिसेबल इनेबल कर सकते हो, उनके पैरामीटर चेंज कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो, उनके काउंटर को रिसेट कर सकते हो, ठीक है। जनरेट में आके हम इनके वॉचर्स क्रिएट कर सकते हैं। वॉचर्स क्या होता है? वॉचर्स ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि हम किसी भी कंपनी का मोबाइल कार्ड दुकान से ख़रीदते हैं, कोई भी कार्ड अगर हम परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल टेलीनोर, यूफोन या जेएस वगैरह का हम कार्ड लेते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे भी वॉचर बनेंगे। हम इसको प्रिंट आउट निकाल के किसी भी दुकान पर रख सकते हैं, किसी भी शॉप वाले को, या अगर आपकी अपनी शॉप इसमें रख सकते हैं, आप अपने यूज़र को इसको सेल कर सकते हैं कि भैया आके आपसे वो कार्ड परचेस करें और अपने पास आपका नेट एक्सेस कर सके, ठीक है। तो नीचे आ जाए सेशन, सेशन में जो आपके यूज़र्स होंगे उनकी तमाम डिटेल ये दे रहा होगा, यूज़र नेम दे रहा होगा, उनका स्टेटस दे रहा होगा, उनके आईपी एड्रेस दे रहा होगा, और फ्रॉम टाइम यानी वो कितने बजे लॉगिन हुआ था और कितनी देर वो नेट यूज़ करता रहा, उसने कितना अपलोड किया, कितना डाउनलोड किया, और उसकी कॉलर आईडी यानी मतलब उसका मैक एड्रेस, ये तमाम चीज़ें शो करेगा। कस्टमर्स में आपका ये वही कस्टमर है जो भी आपने एडमिन डाल के, एडमिन लिख के जो है ना आपने पेज को एक्सेस किया था, यहाँ से आप चाहें तो पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। लॉक्स, लॉक्स में आपके तमाम यूज़र्स की तमाम लॉक्स शो कर रहा होगा, यानी कितने आपके यूज़र हो, कितने लॉगिन हुए, कितने लॉग ऑफ हुए, और कितनों ने पासवर्ड डालने में मिस्टेक की, कितनों ने बगैर आपसे पूछे आपका नेट यूज़ करने की कोशिश की, हालांकि कोई आपकी इजाज़त के बगैर नेट यूज़ नहीं कर सकता जब तक आप उसको आईडी पासवर्ड नहीं दोगे। बहुत से लोग होते हैं ना कि बैठे बैठे छेड़ते हैं कि जाना कुछ भी पासवर्ड डालो शायद कनेक्ट हो जाए, तो उनकी भी तमाम डिटेल शो कर देगा यहाँ पे। पेमेंट्स, पेमेंट्स में आपको ये तमाम यूज़र्स के नाम, उनका एंड टाइम कितना उन्होंने लास्ट टाइम यूज़ किया नेट, कब उनका मतलब सॉरी कब उनका नेट एक्सपायर हुआ, उनका स्टेटस, उनकी प्राइस, और उन्होंने पेमेंट कब की और उनकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो तमाम डिटेल यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। प्रोफाइल, प्रोफाइल भी ठीक वैसे ही है जैसे हमने हॉटस्पॉट के अंदर प्रोफाइल क्रिएट की थी, 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB, इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज है, लेकिन बहुत ईजी है, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सेटिंग्स, सेटिंग्स में ये तमाम जितना भी आपके सामने ये पेज शो हो रहा है,
यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये आपका माइक्रोटिक का लोगो आ रहा है, आप चाहें तो अपने जो भी आपका नेटवर्क है जैसे कि मेरा फराज़ इंटरनेट है तो आप फराज़ इंटरनेट लिखें, या आपका जो भी नेटवर्क नेम है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसका स्टाइल चेंज करते हैं कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में ये वॉचर्स की कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लैंग्वेज, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे, अच्छा पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे अगर आपका पेपल अकाउंट है ना तो लोग आपसे ऑनलाइन कार्ड परचेस कर सकते हैं, ठीक है, और यानी ऑनलाइन आपको पेमेंट कर सकते हैं पेपल के ज़रिए। साइन अप ठीक वैसे ही होता है जैसे हम जीमेल पर अकाउंट बनाते हैं, साइन अप का ऑप्शन आता है। इस तरीके से आपके अपनी लॉगिन पेज पे साइन अप का ऑप्शन होगा, लोग उस पर आईडी बनाएंगे और पेपल के ज़रिए आपको पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट में आती है ठीक वैसे ही फौरन जो है ना आपका सर्वर जो है उसको आईडी और पासवर्ड जनरेट करके दे देगा, क्रिएट कर देगा, और वो आपका नेट यूज़ कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट करके। जब तक वो आपको पेमेंट नहीं करेगा वो आपका नेट यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। रिपोर्ट्स में तमाम वही डेटा आपका सब शो कर रहा होगा यूज़र्स का जो वो दिन भर यूज़ कर रहे हैं। सेशन में भी वही चीज़ है, जो आपके यूज़र एक्टिव होंगे जो यूज़ कर रहे होंगे वो तमाम यहाँ पे दे रहा होगा। यूज़र्स में भी तमाम वही चीज़ आ रही होगी जो इस वक्त आपके पास जितने यूज़र्स ऑन है, यानी जितने अगर आपके 10 यूज़र एक्टिव हैं एक इस वक्त तो यहाँ पे 10 शो कर रहा होगा, एक है तो एक यूज़र शो कर रहा होगा। एडवांस सर्च में अगर आपके बहुत सारे यूज़र्स हैं, अगर आपको किसी एक यूज़र को सर्च करना है तो उसका नाम लिख के आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस में आप इसकी सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं, इसका बैकअप बना के रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। हमने राउट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। सबसे पहले राउट्स क्रिएट करना होता है, उसके बाद हमें बनानी होती है प्रोफाइल, ठीक है जी। प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्लस के साइन पे क्लिक किया, हम बनाते हैं 1 MB की प्रोफाइल, ठीक है, 1 MBPS, ठीक है। क्रिएट किया, प्रोफाइल आ गया, प्रोफाइल नेम, या आ रहा है नेम, ये हमारा 1 MB का प्रोफाइल है। नेम ऑफ़ यूज़र ये वो है जब हम अपना कार्ड प्रिंट आउट निकालेंगे उसका तो उसके ऊपर 1 MBPS लिखा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 1 MBPS, यानी 1 MB के अगर कार्ड है तो 1 MB होगा, अगर 2 MB का कार्ड है 2 MB आएगा। ऑनर एडमिन है यानी हम खुद हैं, जो हम मतलब जो ऑनर है, ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी ये होती है कि अगर आप अपने यूज़र्स को 1 महीने का इंटरनेट देना चाह रहे हो तो 1 महीने तक उसका नेट चलेगा, और जैसे ही 1 महीना पूरा होगा उसका नेट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके पास अगर आप लॉगिन पेज, अगर वो तो खैर अभी लॉगिन पेज का काम हमारा बाकी है, उसको हम आगे करेंगे, उसमें भी आपको सीधी समझो उसमें होगा ये कि आपके यूज़र का जैसे ही नेट बंद होगा ना तो उसके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चलेगा, जैसे वो नेट ऑन करने की कोशिश करेगा तो उसके पास पेमेंट रिमाइंडर का मैसेज आएगा कि भाई नॉन पेमेंट आपका नेट बंद हो चुका है, तो आप उसकी पेमेंट क्लियर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैलिडिटी लगा सकते हैं, तो वैलिडिटी हम 1 महीने की कैसे लगाएंगे? वैलिडिटी की 1 महीने की वैलिडिटी हम लगाएंगे 4W2Day, ठीक है। 2D 4W यानी 4 week, 2D यानी 2 days, ये हमारा होगा पूरे 30 दिन, ठीक है। हमने 30 दिन की वैलिडिटी लगा दी, 4W2 और 2D लगा लिख दिएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टार्ट एट फर्स्ट लॉगिन या नाउ। अब ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है मतलब अगर ये आप इस पर लिख देते हैं एट फर्स्ट लॉगिन पे अगर आप रखते हैं तो ये यूज़र जिस दिन ऑनलाइन होगा, यानी जिस दिन ये कार्ड को आपके कार्ड के ज़रिए लॉगिन होगा, अपनी आईडी पासवर्ड इंटर करेगा, उस दिन से लेके और ठीक 1 महीने बाद उसका नेट बंद होगा। अगर आप कर देते हैं नाउ तो ये कार्ड जो है ना जब वो यूज़ करे या ना करे वो रखे रखे 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप इसको एट फर्स्ट लॉगिन रखें और यहाँ पे प्राइस लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 MB दे रहा हूँ 500 में, तो हमें यहाँ लिख दिया 500, ठीक है। शेयर्ड यूज़र 1 रहेगा, ठीक है, इसमें अनलिमिटेड नहीं करेंगे, 1 यूज़र रखेंगे। आपने इसको किया सेफ, ऑपरेशन सक्सेसफुल, आपकी प्रोफाइल सेफ हो गई, ठीक है। अब यहीं रुक जाइए, अब प्रोफाइल में लिमिट लगानी है हमें 1 MB की, जैसा हमने पिछले हॉटस्पॉट के अंदर माइक्रोटी के अंदर हॉटस्पॉट की जो प्रोफाइल के अंदर हमने लिमिट लगाई थी, तो ठीक वैसी लिमिट इसके अंदर भी लगेगी। तो ऐड न्यू लिमिटेशन में हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आ गया पीरियड,
पीरियड में क्या होगा, पीरियड में ये होगा कि भाई अगर आप उसको पूरा हफ्ता नहीं देना चाहते तो इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ें, पूरा महीना देना चाहते हैं इन सब चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ संडे वाले दिन डेट यूज़ ना करें तो संडे से चेक हटा दें, अगर आप चाहते हैं वो सैटरडे वाले दिन डेट यूज़ ना करें सैटरडे से आप चेक हटा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए न्यू लिमिट, न्यू लिमिट पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने अपना 1 MBPS लिख दिया, क्योंकि नेम डालना है, नेम हमारा वही होगा 1 MBPS, MBPS। ठीक है, लिमिट्स, लिमिट्स वही होती है जैसे आप किसी भी कंपनी का, मतलब मोबाइल कंपनी का नेट लेते हैं, किसी भी कंपनी का, अगर उनके कोई लिमिट अनलिमिटेड नेट नहीं है, वो अगर आपको दे रहा 1 GB के, 1 GB नेट अगर आपको है और आपने 1 GB नेट यूज़ कर लिया तो आपका नेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप अपने यूज़र को अनलिमिटेड नेट दे रहे हैं 1 महीने का, तो अनलिमिटेड आप उसको फिर नहीं, आपको उसको नहीं छेड़ना, फिर आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डाउनलोड लिमिट देना चाहें कि भाई ये बंदा जो है 10 GB से ज़्यादा डाउनलोड ना करे, आप यहाँ 10 GB लिख दें। अपलोड लिमिट पे अगर वो लिमिट लगानी है तो उसी हिसाब से अपलोड लिमिट लगा दें। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र में ये होगा कि ट्रांसफ़र में आप अपलोड और डाउनलोड दोनों मिला के लगा दें, तो जितना भी आपने 10 GB अपलोड 10 GB डाउनलोड लिखा होगा तो इतना यूज़ करेगा वो, भले वो 1 महीने में करे या 1 दिन में करे, उसका नेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, अप टाइम, अप टाइम आपका उसका लगा दें, जिस फॉर एग्जांपल आप 1 महीने का लगा दें कि भाई ये 1 महीने के अंदर अंदर इतना नेट यूज़ कर सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं, या 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इतना नेट यूज़ कर सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तकरीबन हम लोग अपने यूज़र्स को अनलिमिटेड नेट देते हैं तो हमें ये लिमिटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप लगाना चाह रहे हो लिमिट तो आप लगा सकते हो। ठीक है, रेट लिमिट, रेट लिमिट देखिए ये वही चीज़ है जो हमने हॉटस्पॉट में रेट लिमिट लगाया था, RX यानी अपलोड, TX डाउनलोड। ठीक है, अपलोड स्पीड हमेशा कम रखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 512K। हॉटस्पॉट के अंदर हमने लगाए थे 3 सिफ़र, आपको याद होगा पिछली वीडियो में 3 सिफ़र, यहाँ पे सिफ़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप 512K लिख दें, क्योंकि KBPS में स्पीड जा रही है, हम K लिख देंगे यहाँ पे। और ये है अपलोड स्पीड RX, और ये आ गई TX डाउनलोड स्पीड, डाउनलोड 1 MB का होगा 1024K। ठीक है, ये हो गई अपलोड, सॉरी डाउनलोड स्पीड, 512K अपलोड स्पीड हो गई, 1024K डाउनलोड स्पीड हो गई, बाकी नीचे किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी में आ जाएँ, प्रायोरिटी क्या चीज़ है, प्रायोरिटी ये है कि भाई अगर आप इसको नॉट सर्टिफाइड करते हैं, सर्टिफाइज करते हैं, तो आप जो है ना ये जाता रहेगा नेट इसके पास 1 MB का। अगर आप इसको 1 हाईएस्ट कर देते हैं, यानी आपको कोई एक स्पेशल यूज़र है जिसको आप 1 MB की स्पीड अच्छी देना चाहते हैं, कि मतलब भाई अगर आपके पास 10 MB का पैकेज है और आपके 20 यूज़र चल रहे हैं और आप चाह रहे हो कि यार मेरे एक मखसूस यूज़र है इसको स्पीड हमारी प्रॉपर मिले, तो वो ये उसके लिए, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट पे रखें और ऐड कर दें। ठीक है, ऐड किया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ऐड, ठीक है, फिर दोबारा इसको ऐड किया, ये हमारी लिमिट लग गई, देखें यहाँ पे रेट लिमिट लिखा रहा 512K 1 M। ठीक है, ये हमारा 1 MB की प्रोफाइल तैयार हो गई है। अब आ जाते हैं हम यूज़र्स में, यूज़र्स में आए, यूज़र्स में एक यूज़र हम बना रहे हैं तो 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने किसी बंदे को नेट देना, अब आपका यूज़र है वो आपसे इंटरनेट मांग रहा है 1 MBPS का, उसका नाम है फॉर एग्जांपल, मेरे ही नाम रख लो चलो, उसका नाम है फराज, आपने लिखा फराज, पासवर्ड डाल दिया उसका 1 2 3 4। ठीक है, आप आ जाइए नीचे, यहाँ पे आ रहा IP एड्रेसेस, अगर आप उसको कोई अपने हिसाब से IP देना चाहते हैं तो IP दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाइंड कर देंगे, बाइंड फॉर फर्स्ट यूज़, तो ये जो पहली दफ़ा जो लॉगिन होगा, जो IP इसके पास जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम इसके पास सिर्फ यही IP आएगी, इसके अलावा कोई और IP नहीं जाएगी। ठीक है, शेयर्ड यूज़र हम इसका 1 रखेंगे, क्योंकि अच्छा शेयर्ड यूज़र 1 से क्या फ़ायदा होगा आपको पता है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे नेट मांगा है, भाई मुझे 1 MB का नेट दे दो, आपने मुझे ID पासवर्ड दे दिया, अब आप ये सोच रहे यार मैंने इसको ID पासवर्ड तो दे दिया, अब ऐसा तो नहीं है, तो अपने तमाम मोबाइल या लैपटॉप में यही यूज़ कर सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 1 शेयर्ड यूज़र अगर आप 1 रखेंगे तो इससे होगा कि मैंने अगर अपने एक मोबाइल में ये ID डाल ली ना, तो मैं इस ID को दूसरे मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकता, ये काम ही नहीं करेगी। मेरे पास अगर 4 मोबाइल हैं और मैंने आपसे 1 ID लिए, तो अगर मैंने एक मोबाइल में ID डाल दिया तो सिर्फ उसी मोबाइल में चलेगी और दूसरे मोबाइल में ये नहीं चलेगी, तो उसके लिए मुझे मजबूरन फिर आपको दोबारा ना पड़ेगा, भाई मैं 2 मोबाइल यूज़ करता हूँ या 3 यूज़ करता हूँ, तो मुझे 3 ID दे दो, 4 ID दे दो, तो इस तरीके से होगा।
अगर आप इसको अनलिमिटेड कर देंगे तो ये एक आईडी जो है हर बंदा यूज़ कर सकता है, तो ये ऐसा नहीं करना, वन यूज़र पर रखना, ठीक है। वन यूज़र पर रखेंगे हम इसको, शेयर्ड यूज़र वन रखेंगे। और प्रोफाइल ये हमने सिर्फ 1 MB की बनाई, तो यहाँ पर 1 MB शो कर रहा है। अगर हम सीरियल वाइज प्रोफाइल बना लेते हैं, 1 MB, 2 MB, 3, 4, 5, 6, 7, तो तमाम प्रोफाइल यहाँ पे शो कर रहा होगा। जो इसको जितनी MB की स्पीड चाहिए आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड करवा दीजिए, ठीक है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है जी। अब हम इसको चेक करते हैं कि यार ये यूज़र हमारा सही बना है कि नहीं। तो पहले मैं इसको अपना लॉग ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मेन उस पर खोली हुई थी आईडी। हमने अपना ब्राउज़र ओपन किया, अपना लॉगिन नेम डाला, मैंने faraz.org बनाया हुआ है तो faraz.org लिख दिया, ठीक है। आईडी बनाई थी फराज, पासवर्ड था 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा यूज़र, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, 1 2 3 4 5, सॉरी पासवर्ड था 1 2 3 4 5, मैंने 1 2 3 4 डाल दिया था गलती से, मेरी असल में याददाश्त भी थोड़ी सी कमज़ोर है, माजरत, ठीक है। लॉगिन हो गया, ये नेट इसका ऑन हो गया, ठीक है। इसके पास 1 MB के पूरा पूरा नेट आ गया है। अच्छा, अब अगली वीडियो हमारी किस पे होगी? हमारी अगली वीडियो जो होगी ना, वो होगी लॉगिन पेज के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी आपके पास ये पेज खुलता है, ठीक है। अब आपको इस पेज को अपने हिसाब से खूबसूरत सा डिज़ाइन करना है, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। और मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स भी रखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और किसी को अगर अपना लॉगिन पेज बनवाना हो तो कमेंट्स में, बड़ा ही मेहरबानी, कमेंट्स में मुझे बोलें, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते ना यार, मैं आप लोगों को सबको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी लॉगिन पेज के ऊपर, कि यार इसका लॉगिन पेज हमने कैसे डिज़ाइन करना, अपना नेटवर्क नेम या हमारा जो भी हम इंटरनेट चला रहे हैं जिस नाम से, वो नेटवर्क नेम डाल दिए, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपने तमाम पैकेजेस, हर चीज़ की पब्लिसिटी हो जाएगी इस हिसाब से, और आपका खूबसूरत सा पेज बन जाएगा अपने हिसाब से, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो पेज को। यहाँ पर माइक्रोटिक लिखा रहे, माइक्रोटिक की ज़रूरत नहीं, आप अपना नाम चलाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके ऊपर काम करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखना। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया माशाल्लाह, काफ़ी मुझे खुशी हुई। और जितने आप लोग मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे करते हो, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट्स कर दो तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों से रब्ता करने में, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को सबको मतलब एक वक्त में जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी काम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो आप उसमें बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व कर दूँगा। क्योंकि यूट्यूब चैनल तो मैं चेक करता रहता हूँ, व्हाट्सएप में बार बार चेक नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप में जवाब नहीं दे पाता। और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वक्तों में और मैं जितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है उनके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है माइक्रोटिक पे चल रहा है, तो अभी टॉपिक टोटल माइक्रोटिक पे ही चलेगा, ठीक है। अभी हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम लॉगिन पेज बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम PPO सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।